राजस्थान का विशाल रेगिस्तानी इलाका हमेशा ही पानी की कमी से जूझता रहा है। बारिश की कमी के कारण यहाँ की अधिकतर आबादी जमीन के नीचे पाए जाने वाले पानी पर निर्भर रहती है। जगह जगह कुएं खोदे जाते हैं और बाल्टियों से खींचकर उनमें से पानी बाहर निकाला जाता है। अनेक गांवों के लोगों को पानी की व्यवस्था के लिए रोजाना मीलों पैदल भी चलना पड़ता है। समय की मार के इस अनुभव ने लोगों को जल प्रबंधन के अनेक तरीके सिखाए हैं। इसीलिए प्रदेश के लोग बारिश के पानी के महत्व को अच्छी तरह समझते हैं और बारिश के पानी के अधिकतम उपयोग के लिए अनेक तरीके इस्तेमाल करते हैं। इनमें सबसे लोकप्रिय तरीका है तालाबों और जोहड़ों में पानी को इकट्ठा करना। इसके अलावा शेखावटी के इलाके में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए जगह जगह टांके बनाए जाते हैं और ज्यादा मात्रा में पानी को इकट्ठा करने के लिए बावड़ियां बनाने की भी परंपरा है। लेकिन चित्तौड़गढ़ दुर्ग का परंपरागत जल प्रबंधन देखने लायक है। पूरी तरह बरसात के पानी पर निर्भर ये जल प्रबंधन इतना कारगर है कि किले के अंदर बसी पूरी आबादी की साल भर की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है। करीब 1500 साल पहले बना चित्तौड़गढ़ जमीन से करीब 500 फुट की ऊंचाई पर बसा है। 15 वर्ग किलोमीटर जगह में बने इस दुर्ग के अंदर एक पूरा शहर बसा है, जिसमें तत्कालीन राजपरिवार, सेवक, सैनिक और आमजन सहित करीब 90,000 लोगों की आबादी निवास करती थी। उस समय 500 फुट की ऊंचाई पर 90,000 लोगों की आबादी के लिए पानी की व्यवस्था करना एक चुनौती था, परंतु उसका हल निकाल लिया गया। चित्तौड़गढ़ के निवासियों के दिनचर्या का अहम हिस्सा बन चुके ये तालाब आज भी साल भर तक पानी से भरे रहते हैं। यहाँ के लोग चिलचिलाती गर्मी में तालाबों में स्नान करके अपनी दिनचर्या की शुरुआत करते हैं। वहीं उनके लिए पीने के पानी तथा अन्य दैनिक दिनचर्या की आवश्यकता की पूर्ति भी इन्हीं तालाबों के पानी से होती है। किले के अंदर छोटे बड़े 110 से अधिक तालाब हैं और ये आपस में जुड़े हुए भी हैं। बारिश के दिनों में इनमें पानी इकट्ठा होता है, जो धीरे धीरे रिसकर निचले हिस्सों में बने बड़े तालाबों तक पहुंचता रहता है। इसीलिए इन बड़े तालाबों में साल भर पानी उपलब्ध रहता है। हालांकि समय की मार और विकास के दुष्प्रभावों के चिन्ह यहाँ भी दिखाई देने लगे हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग की ये परंपरागत जल प्रबंधन व्यवस्था इतनी विश्वसनीय है कि कठिन से कठिन अकाल में भी इसके सारे तालाब कभी नहीं सूखे और कुछ तालाबों का पानी तो इतना अच्छा है कि उसकी तुलना मिनरल वाटर से की जा सकती है। पानी की हर बूंद का इस्तेमाल करने की सलाह देना अच्छी बात है, परंतु हकीकत में ऐसा करके दिखाना थोड़ा कठिन जरूर है और राजस्थान का चित्तौड़गढ़ दुर्ग पिछले 1500 सालों से ऐसा कर रहा है और वो भी सफलता के साथ।